जय गुरुदेव। भगवान की अनंत कृपा से संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद उल्लास में है। यह सृष्टि भगवान का विलास है। चारों ओर जो आनंद उल्लास छाया रहता है वह हमारे ही अंतःकरण का सत्व है, जो विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। जब हमारी चित्त चेतना आह्लादित होती है, प्रसन्न होती है, तो संपूर्ण परिवेश प्रसन्नता पूर्ण हो जाता है। आज हम लोग पवित्र अजा एकादशी पर चर्चा करेंगे। यह एकादशी स्वयं ही परम पावन है। यह वैज्ञानिक सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी तिथि पर अन्न जल नहीं ग्रहण करता तो उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जागृत हो जाती है, चैतन्य हो जाती है, उसके अंदर सकारात्मक विचार, विधेयक चिंतन स्वयमेव उद्बुद्ध हो जाता है। यह भारतीय सनातन परंपरा का सौष्ठव है। हमारी एकादशी का व्रत संपूर्ण विश्व में वैज्ञानिक रूप से भी सभी के लिए उपयोगी है। इसका अपने जीवन में प्रयोग करने से हम निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, दैवीय कृपा प्राप्त करते हैं, भगवदीय चिंतन करते हैं, हमारी चित्त चेतना मुखर होती है और हम सात्विकता का वरण करते हैं। एकादशी के क्रम में आज हम लोग भाद्रपद मास की कृष्ण पक्षी अजा एकादशी पर चर्चा कर रहे हैं। यह एकादशी अत्यंत पुनीत है। अजा एकादशी का वृत्तांत पूछते हुए युधिष्ठिर जी ने कृष्ण जी से कहा कि आप इसके रहस्य को बतलाएं। तब भगवान जनार्दन ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर जी से कहा कि अरे युधिष्ठिर, इसी भारतवर्ष में इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी प्रतापी राजा चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र एक इतना महान नाम है जो सत्यवादिता के लिए आज जन जन में लिया जाता है। इस ब्रह्मांड में अगर कोई सत्यवादी है तो उसे हरिश्चंद्र की आन बान और शान का भान होता है। राजा हरिश्चंद्र के साथ दैववशात इतनी प्रतिकूलता हुई कि उन्हें अपना अयोध्या का राजपाट छोड़ करके वन वन भटकते हुए वे वाराणसी पहुंच गए। गंगा जी के इस पावन पुनीत तट पर हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा के साथ और पुत्र रोहित के साथ यत्र तत्र विचरण कर रहे थे। जीवन में कोई भी सहारा नहीं बचा था, पास में कुछ भी धन नहीं था और इस दशा में उन्होंने अपने आप को ही एक चांडाल के हाथों विक्रय कर दिया। वे विक्रीत हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी को भी एक साधु स्वभाव की महिला की सेवा में समर्पित कर दिया। वहाँ राजा हरिश्चंद्र चांडाल के यहाँ सेवा में थे और केवल कफन का व्यय भार ही ग्रहण करके अपनी आजीविका चलाते थे। कर रूप में जो धनराशि मिलती थी वही वे चांडाल को सौंप देते थे। कितना कठिन समय था। एक चक्रवर्ती सम्राट आज किन दशाओं में था। लेकिन यह पूर्वकृत कर्मों का विधान है। जीव प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण, इन तीन तरह की स्थितियों में रहता है। प्रारब्ध उसे कहते हैं जो पूर्व जन्म में हमसे कार्य हुए हैं, पुण्य या पाप हुए हैं और उन्हीं के प्रभाव से हमारा अगला जन्म होता है। कितनी विद्या होगी, कितना धन होगा, मान सम्मान होगा, आयु कितनी होगी, इसका निर्धारण
प्रारब्ध में किए गए कर्म के कारण होता है। संचित कर्म वे होते हैं अर्थात हमारे लिए दूसरे क्या कर रहे हैं, उनका हमें कितना फल प्राप्त होता है, उसे संचित कहते हैं। क्रियमाण वह स्थिति है कि हम क्या कार्य करते हैं उसका तत्क्षण हमारे ऊपर फल भोग बनता जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण इसका सुखद संयोजन करना चाहिए, निरंतर सत्कर्म और पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रमाण है। हम देख रहे हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा नामक इस एकादशी व्रत की महिमा के प्रसंग में कि हरिश्चंद्र जो एक प्रतापी राजा हैं कितना कष्ट सह रहे हैं, वाराणसी में एक चांडाल के यहाँ सेवा कर रहे हैं। दुर्योग से हरिश्चंद्र की पत्नी तारा अपने पुत्र को लेकर आती है, उसका शरीर मृत है और वो अपने उस पुत्र रोहित को श्मशान में अर्पित करना चाहती है, लेकिन हरिश्चंद्र कहते हैं कि मुझे कर चाहिए और कर में मैं कोई भी वस्तु ले लूँगा, लेकिन मैं बिना कुछ लिए इसका संस्कार नहीं संपन्न कर सकता। तब पत्नी अपना आधा वस्त्र भी फाड़ करके कर के रूप में देती है। तब सत्य प्रतिज्ञ राजा हरिश्चंद्र अपने ही पुत्र का संस्कार करने के लिए उद्यत होते हैं। यह दशा देखकर मनो प्रकृति में भी एक तरह का विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। हरिश्चंद्र अत्यंत दुखी हैं, उनका हृदय आर्द्र हो रहा है, वे क्या करें किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। तब जब वे ऋषि परंपरा देवताओं का स्मरण करते हैं तब अकस्मात उनके सामने महर्षि गौतम प्रकट होते हैं। महर्षि गौतम को प्रणाम करके हरिश्चंद्र जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे दुख का क्या उपाय है, कैसे दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है, कैसे मेरे इन पुण्य के प्रभाव का उदय होगा, जो कृत पाप कर्म है उनका क्षय कैसे होगा। यह सब सुन करके महर्षि गौतम उन्हें आश्वस्त करते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं और कहते हैं कि हे चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र, आप दुखी न हो, व्याकुल न हो। एक सप्ताह के बाद ही भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की यह अजा एकादशी आने वाली है और इस अजा एकादशी में आप भगवान माधव का जनार्दन का पूजन करें, प्रातःकाल स्नान ध्यान करके पवित्र हो जाएं, भगवान का पूजन और अभिषेक करें, दिन भर उनका ही ध्यान करते रहें, निरंतर अपने मन मानस में भगवान की पूजा अर्चना करते रहें, रात्रि जागरण करें, भगवान नाम का जप करें, निश्चय ही आपका जीवन दैवीय हो जाएगा। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजन करने के बाद ही आप कुछ ग्रहण करें। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र महर्षि गौतम के कहने पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस अजा एकादशी को आप व्रत करते हैं। व्रत के प्रभाव से पुण्योदय होता है, पाप क्षय होता है और उन्हें पुनः उनकी पत्नी और पुत्र प्राप्त हो जाते हैं, पुनः राज्यारोहण करते हैं, पुनः उनका राज्य पर अभिषेक हो जाता है, उनकी दिग्दिगंत में कीर्ति फैल जाती है। जिस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र किन्हीं पापों के प्रायश्चित स्वरूप अपने जीवन को कष्टमय बिताते थे, लेकिन अजा एकादशी का व्रत करने से पुनः वे चक्रवर्ती सम्राट हो गए, पत्नी और पुत्र की पुनः प्राप्ति हो गई, सर्वत्र यश कीर्ति का विस्तार हुआ। जो कोई भी एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन में
सहज सुख आनंद आह्लाद उद्बुद्ध हो जाता है, सारा जीवन दैवीय हो जाता है। उसके द्वारा निरंतर सत्कर्म होने लगते हैं, पुण्य कर्म होने लगता है। एकादशी वह पावन पुनीत तिथि है जब भगवान नारायण अपनी कृपा से संपूर्ण जीव जगत के ऊपर करुणा करते हैं। एकादशी के दिन सत्य बोले, मधुर बोले, आनंद में रहे, किसी भी जीव मात्र के प्रति कटुता, तिक्तता और वैर भाव न पाले, उदारता का परिचय दे, वस्त्र दान, अन्न दान, ज्ञान दान और मान दान करते हुए निरंतर इस प्रकृति में दैवीय तत्वों का अनुभव करता रहे। यदि हमारी चित्त चेतना सात्विक हो जाती है तो निरंतर आह्लाद रहने लगता है। इस जगत में भवन दिखाई देते हैं लेकिन मंदिर नहीं दिखाई देते, व्यक्ति दिखाई देते हैं लेकिन साधु पुरुष नहीं दिखाई देते, नदियां दिखाई देती हैं लेकिन तीर्थ नहीं दिखाई देते। अगर हम हमारी चेतना को समाहित करेंगे तो तीर्थ धाम बन जाएंगे, जीव महापुरुष बन जाएंगे, यह संपूर्ण जगत भगवदीय अनुकूलताओं से युक्त हो जाएगा। यह वातावरण भगवदीय है, नारायण द्वारा बनाया गया है। इस जगत का निर्माण जगदीश्वर ने किया है। जगदीश्वर का यह निर्मित जगत दैवीय है। इस जगत की निंदा नहीं करनी है क्योंकि इसे जगदीश्वर ने बनाया है। इसे इसका इस भाव से दर्शन करना है जैसे किसी चित्रकार के चित्र का हम दर्शन करते हैं, उसकी अपूर्व कला का हम दर्शन करते हैं, हम उसमें श्रेष्ठता का आकल्पन करते हैं। परमात्मा के इस जगत में यद्यपि ये माया द्वारा निर्मित है लेकिन इस माइक जगत के निर्माता परब्रह्म परमात्मा हैं, जगदीश्वर हैं। इसलिए इस नश्वर जगत में रहते हुए भी शाश्वत ईश्वर का स्मरण करने से हमारी आत्मा उस परम तत्व का अनुभव करते हुए मुक्ति की ओर प्रयाण करती है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। भगवदीय चिंतन भारतीय संस्कृति और परंपराओं का यत्र तत्र सर्वत्र ज्ञान प्रसारित किया। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी भी निरंतर सदुद्यम कर रहे हैं। यह ज्ञान का वास्तविक स्वरूप, एकादशी की महिमा और भारतीय परंपराओं का ज्ञान, इसका पुनर्जागरण काल आ गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सात्विकता का वरण करे और दुख रहित समाज बने, विश्व में शांति हो, संपूर्ण ब्रह्मांड अनुकूलता अपने आप में समाहित करे। इन्हीं सब सद्भावनाओं के साथ आपके लिए शुभकामनाएं निवेदित करते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।